हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और बच्चे भी उठ गए हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। और आज की डेट है 6 मई। और हाँ, अभी उनके लिए जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बनने वाला है पोहा। तो काफ़ी दिन हो गए मेरे घर पे पोहा नहीं बन रहा है, क्योंकि इनको टिफिन में ये ना ऐसे ही पोहा वगैरह लेके जा रहे हैं, क्योंकि पोहा ना ज़्यादा देर रखने के बाद ना अच्छा नहीं लगता है, वो गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। इसी वजह से ये टिफिन वगैरह में नहीं लेके जाते। तो मेरे घर पर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से आई थिंक पोहा नहीं बना है, मतलब 1 महीना हो गया मेरे घर पर पोहा नहीं बना है। तो आज मैं पोहा बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ पोहा, बच्चों के लिए ही बना देती हूँ, क्योंकि इनका तो टिफ़िन हो गया है। ये आज रोटी सब्जी लेके गए थे, तो इसी वजह से इनको टिफ़िन तो मैं सुबह ही बना के दिया है, बट आज बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना था, तो मैंने सोचा चलो आज ब्रेकफास्ट बना देती हूँ बच्चों के लिए अभी। और चलिए किचन में चलते हैं, 1 मिनट लाइट्स ऑन कर देती हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पोहा बनाने के लिए। आपने सब कुछ यहाँ पर निकाल के रखा है, काट वाट के रख दिया है। और आप देख सकते हो, मिर्ची देखो, मिर्ची ग्रीन की रेड हो गई है। तो कोई बात नहीं, अभी इसे से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर आलू भी काट के रख दिए हैं, यहाँ पर पैकेट ला के रखा है। पोहा भी दूँगी और चलिए फिर पोहा बनाते हैं। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद पोहा बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पोहे की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं वैसे डेली बनाती थी पोहा पहले, आप लोगों को पता है, अगर मेरे आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा मैं डेली पोहा बनाती थी पहले। बट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, मतलब मैंने पहले आपको 1 महीना बोला था, बट मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने हो गए होंगे कि मैंने पोहा नहीं बनाया है घर पर। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक स्ट्रेनर में पोहा जो है वो वॉश कर लिया है, अच्छे से वॉश करना है 1-2 पानी से उसे, और उसे वैसे ही छोड़ देना है, उससे पोहा हमारा भीग जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसके बाद मैंने राई और जीरा डाला। राई चटकने के बाद मैंने उसमें डाला है मूँगफली। तो मूँगफली मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है, और उसी में मूंगफली मैंने निकाली नहीं है, उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें हरी मिर्च डाली है और उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। तो प्याज को अच्छे से चला लेना है, आपको ब्राउन वगैरह नहीं करना है, थोड़ा सा आपको हल्का सा चला लेना है उसे, और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, तो वैसे ही रखना है। और उसमें मैंने आलू डाल दिया है, तो अभी आलू भी पक गए हैं यहाँ पे, तो आलू को ढक्कन रख के पका लेना है अच्छे से। और आलू भी पक गए हैं, उसमें मैंने हल्दी ऐड की है, सिर्फ हल्दी ऐड करना है, क्योंकि हमने मिर्ची ऐड की थी, तो इसी वजह से लाल मिर्च हमें ऐड नहीं करनी है उसमें। एक्चुअली लाल मिर्च ऐड करते ना टेस्ट बिगड़ जाता है उसका, तो इसी वजह से मैं ना ट्राई करती हूँ कि लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं करना है उसमें। तो बस इसमें हल्दी ऐड की है और अच्छे से चला लेना है, और उसमें नमक ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है उसमें, और उसे अच्छे से चला लेना है जैसे मैं यहाँ पर चला रही हूँ। और थोड़ी सी चीनी ऐड कर देनी है बाद में, चला लेने के बाद थोड़ी सी चीनी ऐड करने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चीनी ऐड करना मत भूलिएगा, टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है चीनी ऐड करना, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है इससे। तो बस चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को, और उसे फिर भाप आने दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन रख दिया है, और यहाँ पर धनिया काट लूँगी अच्छे से, उसके बाद हमें धनिया ऐड करना है ऊपर से, और बस ढक्कन रख के ना अच्छे से स्टीम आने देना है इसे, बस आपका जो पोहा है वो हो जाएगा। और स्टीम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोहा में, जितनी आप स्टीम आने दोगे ना पोहा को, मतलब लो फ्लेम पे रख देना है स्टीम आने के टाइम, नहीं तो हाई फ्लेम पे रखोगे तो नीचे से जल जाएगा, या मतलब पपड़ी हो जाएगी, पपड़ी चढ़ जाएगी उसे। तो स्टीम आने के टाइम ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कम फ्लेम में रखना है, और स्टीम बहुत ज़्यादा लेनी है आपको पोहे में। अगर जितनी ज़्यादा स्टीम लेते हो ना उतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है पोहे का, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया, क्योंकि जितनी आप स्टीम लेते हो उतना ज़्यादा पोहा टेस्टी बनता है। तो इसी वजह से मेरा जो पोहा होता है वो सभी को पसंद आता है, मेरे हाथों से बना हुआ पोहा। तो बस यहाँ पर पोहा रेडी हो गया था, तो मैंने उसे प्लेट्स में निकाल लिया और हम लोगों ने खा भी लिया था। तो सभी लोगों का नाश्ता हो जाने के बाद, मतलब बच्चों का और मेरा, तो ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ना यहाँ पर हम मुझे लगा कि चलो ये आज वॉश कर लेते हैं जो सोफ़ा कवर है। तो सोफ़ा कवर वॉश करने के लिए आई, तो यहाँ पर ना वो जो क्या बोलते हैं, तो नल जो था तो उसका जो पाइप है वो टूट गया था, मीन्स निकल गया था, तो वो लगी नहीं रहा था मुझसे। तो मैंने माही को बुलाया, मैंने बोला माही को आप पकड़ के रखो उसे, इसीलिए माही पकड़ के रख रही थी, और मैंने फिर उसमें डाल दिया, और फिर उसमें सर्फ वगैरह डाल दिया है। तो यहाँ पर वॉश हो रहा है हमारा जो सोफ़ा कवर है वो,
और ऐसे ही मैं एक 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 चीज़ें वॉश कर रही हूँ आजकल। सारी चीज़ें एक साथ नहीं वॉश कर रही हूँ, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में कर भी क्या सकते हैं यार। क्लीनिंग भी हो रही है घर की, मतलब अच्छे खासी क्लीनिंग हो रही है घर की, तो एक एक दिन ऐसे ही कर रही हूँ मैं वॉश सारी चीज़ें। तो इसी तरह से एक एक चीज़ें करती जा रही हूँ, तो क्लीनिंग की क्लीनिंग भी हो रही है घर की और घर भी साफ़ सुथरा हो रहा है, मतलब अच्छा भी दिख रहा है घर। तो यहाँ पर हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठे हैं चाय लेते और गप्पे मार रहे हैं। और क्या हुआ था कि ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने सारे काम किए बाकी के जो घर के थे। तो उसके बाद ये आए ड्यूटी से, हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद हम लोग 1 घंटा सो जाते हैं। तो उसके बाद उठे तो मैंने चाय बनाई अच्छे से अदरक वाली, जो मैं हमेशा बनाती हूँ और आप लोगों को भी बहुत पसंद आती है, और मुझे तो अदरक वाली चाय पसंद है ही, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अदरक वाली चाय। तो इसी वजह से मैं हमेशा अदरक वाली चाय बनाती हूँ, अदरक तो थोड़ी सी इलायची भी डाल देती हूँ कभी कभी। तो अदरक वाली चाय, मतलब बिना अदरक के तो मुझे चाय पसंद ही नहीं है, सादी चाय तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अदरक जब होता है तभी मैं चाय पीती हूँ, अदरवाइज़ अदरक नहीं होता है ना तो चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा था, हमारा हाथ मिला रहे थे हम लोग, पता नहीं क्या चल रहा था तो याद नहीं है मुझे इतना। बट ये ना गांव जा रहे थे, मतलब घर मेरे ससुराल, तो क्योंकि बीच बीच में जाते रहते हैं, हमें भी लेके जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो हम लोग हमेशा गांव जाते रहते हैं बीच बीच में, सैटरडे संडे वगैरह, संडे तो हमेशा जाते ही है हम लोग। बट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना तब से हम लोग गए ही नहीं, मतलब सारे लोग, बट ये 2-3 बार जाके आए हैं, हम लोग नहीं गए हैं। बट अभी ना घर की याद भी आने लगी है यार, मतलब कितने दिनों से नहीं गए हैं तो घर की याद भी आने लगी है। घर जाने का मन कर रहा है बट जा नहीं सकते हैं, ये अकेले ही जा रहे हैं, तो जाके मिलके आ जा रहे हैं, बस वैसे ही कर रहे हैं अभी ये सैटरडे संडे वगैरह या बीच में। सुबह मैंने वो डाला था सुखाने के लिए, सोफे के कवर वही लेके आने वाली हूँ, इसलिए बहुत लेट हो गया है, अंधेरा हो गया है यार। कवर सोफे के डाले थे, निकाल लेती हूँ। बहुत लेट हो गया है, एक्चुअली 7:30 बज गए होंगे। ओह माय गॉड, चलिए निकाल लिए कपड़े, चलते हैं अंदर, डाल देती हूँ अभी। एक्चुअली जब भी मैं सोफ़ा कवर वॉश करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लिविंग रूम का जो ये है लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश लगता है। क्योंकि जब भी कर्टन्स या सोफ़ा कवर या ये सारी चीज़ें, मतलब फ्लावर वगैरह वॉश करती हूँ ना तो ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। सिर्फ ये करने से लिविंग रूम का मेकओवर हो जाता है, मतलब लिविंग रूम चेंज ही हो जाता है पूरा। तो आप देख लेना अभी इसके बाद जब मैं डालूँगी ये सोफ़ा कवर वगैरह, तो आप देख लेना कितना फ्रेश लगने लगेगा। तो ऐसे ही मैं हमेशा करती रहती हूँ, बीच बीच में 8 दिन 15 दिन हो गए कि उसके बाद मैं सोफ़ा कवर वॉश करती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो सोफ़ा कवर वॉश करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ कर्टन्स ना, कर्टन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से मैं कर्टन्स बहुत कम निकालती हूँ, और वैसे गंदे भी नहीं दिखते हैं, बट ना कर्टन्स वॉश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगता है। जब भी मैं कर्टन्स वॉश करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगने लगता है दिवाली आ गई है घर पर। तो कर्टन्स ना थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कर्टन्स निकालना और उसके रिंग्स निकालो फिर उसे वॉश करो, नहीं तो अगर रिंग के साथ डालते हैं तो मैं बहुत बार ऐसे मैंने किया है 1-2 बार कि रिंग के साथ डाला है तो रिंग्स भी टूट गए हैं 1-2 इसके, तो बीच में तो वो रिंग एक बार टूट जाते हैं ना तो फिर लाने का वो होता नहीं है कि 1-2 रिंग के लिए जाओ फिर शॉप में और लेके आओ, तो वो होता नहीं है, तो फिर वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए ना मैं जब भी कर्टन्स वॉश करने होते हैं तो मैं पहले रिंग निकाल लेती हूँ उसके बाद वॉश करती हूँ, तो नहीं तो फिर वैसे ही वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो पहले 1-2 बार किया, उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तो फिर उसके बाद मशीन में डालती हूँ, तो वैसे ही करती हूँ, रिंग निकाल के ही डालती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो सोफ़ा मेरा सेट हो गया है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब वैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरे यहाँ का सोफ़ा, तो ये मैंने डिज़ाइन खुद से करवाया था। एक्चुअली ये सोफ़ा का क्या हुआ था, हाँ बहुत बार आप लोगों ने पूछा है तो अभी आपका अभी ध्यान में आया तो मैं बता ही देती हूँ आपको। बहुत बार आप लोगों ने पूछा है कि सोफ़ा आपने बनवाया है या आपने
ख़रीदा है रेडीमेड, तो डियर मैंने बनवाया है, ये कस्टमाइज़ किया है सोफ़ा। एक्चुअली यहाँ का नाप दिया था हमने और ये यहाँ ये बनवा के लिया था, मतलब घर पे नहीं बनवाया है ये, बट नाप दे के बनवा के लिया था ये वाला सोफ़ा। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ना, ये मैंने कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें मैंने खुद चूज़ की थी और इसकी डिज़ाइन भी मैंने खुद चूज़ की थी, तब जाके ये बनवा के लिया था हम लोगों ने। और कॉस्ट क्या पड़ी थी ये याद नहीं है मुझे अभी, कि आप लोगों ने कॉस्ट भी पूछी थी इसकी, तो कॉस्ट याद नहीं है क्योंकि इसके साथ ना एक दो चीज़ें और हमने ली थी, तो इसीलिए कॉस्ट याद नहीं है मुझे इसकी। बट इसकी साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये 10x10 का सोफ़ा है। यार थोड़ी देर फैन नहीं चलाया था, इतनी गर्मी हो रही थी। और अभी आपको हॉल का लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे ना जब भी मैं सोफ़ा कवर वॉश करती हूँ ना उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉल, मतलब एकदम चमकने लगता है, फ्रेश फ्रेश लगता है, इसीलिए ना मुझे उसके बाद का हॉल का लुक बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हॉल एकदम चमकने लगा है, मेरे लिविंग रूम का मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेकओवर ही हो गया है। तो अभी सिर्फ वो फ्लावर वॉश करने हैं, थोड़े से गंदे लग रहे हैं, तो कल मैं उसे वॉश करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो इसी से थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, कर्टन्स भी लग रहा है मुझे वॉश करे, बट पता नहीं अभी कल देखूँगी कर्टन्स और ये वॉश करने के लिए। हे गाइस, आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट प्लेस में, किचन में, और रोटियाँ बन गई है मेरी। अभी मुझे बनानी है सब्जी, तो और सब्जी में आज बनने वाला है टोमेटो का बेसन, जो आपने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था जो थाली में था भरते के साथ। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं कि उसकी रेसिपी शेयर करो, तो मैंने सोचा चलो आज टोमेटो का बेसन ही बनाती हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर आज वही बनाते हैं। और आजकल ना मैं लिप शेड जो है बहुत ज़्यादा डार्क लगा रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत डार्क हो गया, आज का भी रेड हो गया है पूरा। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे जो न्यूड वाले लिप शेड है वो ख़त्म ही होने पर आए हैं, मतलब पूरा ऐसे ऐसे करके मैं उसे निकाल रही हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा चलो जो बाकी के पड़े हैं मेरे पास जो डार्क शेड है, मैं एक्चुअली डार्क शेड बहुत कम यूज़ करती थी, इसी वजह से वो वैसे ही पड़े रहते थे, तो अभी वो मैं रेगुलर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप लोगों को डार्क शेड पसंद आते हैं या न्यूड शेड पसंद आते हैं मुझ पर, तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आजकल मैं डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ, तो ये वाले आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, तो ये ज़रूर बताना मुझे। और कुर्ती कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना, काफ़ी दिनों की है, बहुत पुरानी है ये वाली कुर्ती, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जब मैंने ली थी तभी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी मैंने ये वाली कुर्ती। मैंने मिंत्रा से परचेस की थी, मैं फुल लुक दिखा देती हूँ आपको। ये वाली कुर्ती ना जब मैंने परचेस की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये कुर्ती, तो इसीलिए मैंने परचेस की थी। एक्चुअली पूरी प्लेन है ऊपर से ही, इस पर सिर्फ स्लीव्स पर डिज़ाइन है और ये फ्रंट पर डिज़ाइन है, पूरी प्लेन कुर्ती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली कुर्ती, तो मेरी फेवरेट थी ये कुर्ती जब मैंने परचेस की थी। मैं इस वाली कुर्ती को काफ़ी पहन चुकी हूँ, फिर भी मेरी अभी भी फेवरेट ही है ये मुझे। तो चलिए पहले डिनर बना लेती हूँ, बेसन बना लेती हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ पर बेसन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और उसमें मैंने जीरा राई डाल दिए है। राई चटकने के बाद मैंने उसमें डाला है प्याज, और प्याज डाल देंगे और उसमें ना अच्छे से चला लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को चला लेना है आपको, प्याज को अच्छे से होने देना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर उसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, मतलब कभी भी आप जब भी आपको टाइम ना हो ज़्यादा तामझाम करने का, तो आप ये वाली रेसिपी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत यम्मी लगती है। और आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बनाने के बाद आपको बहुत पसंद आएगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून रहा है, आप लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह आप खड़े जो लहसुन नहीं होते हैं, मतलब लहसुन काट के, वो भी डाल सकते हो इसमें, भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। बट मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट था तो इसी वजह से मैंने वो यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर टोमेटो मेरे काटना हो गया है, तो यहाँ पर मैं उसमें मसाला ऐड करूँगी, जो हमारा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट हो रहा था उसमें मैं मसाला ऐड करूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और फिर थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया पाउडर, तो ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी, उसके बाद मैं टोमेटो ऐड कर दूँगी। एक्चुअली अगर आपके पास हरी मिर्च है तो हरी मिर्च का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हो इसमें लाल मिर्च की जगह, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, हरी मिर्च का पेस्ट अगर ऐड करते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। बट मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट नहीं था, मतलब हरी मिर्च ही नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने लाल मिर्च यूज़ की,
तो लाल मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है, वैसा कुछ नहीं है, बट अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है ये भी। तो यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया है टोमेटो को, और उसके बाद मैंने निकाल के देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से टोमेटो गल चुके थे। बस इसी प्रोसीजर से आपको करना है, टोमेटो को अच्छे से गलने देना है, तब तक आपको वेट करना है टोमेटो गलने तक। नहीं तो अगर टोमेटो गलेंगे नहीं ना तो इसकी टेस्ट नहीं आएगी अच्छे से, तो इसीलिए टोमेटो को गलने देना है। जो सारी चीज़ें जो प्रोसीजर मैंने बताई है तो उसे करना है आपको, और बस इसमें मैंने एक लोटा पानी ऐड कर दिया है, तो पानी बॉईल हो जाएगा। आपको क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग करनी है, मतलब जितना आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो जाने के बाद ही आपको इसमें बेसन ऐड करना है, वैसे आपको बेसन ऐड नहीं करना है ठंडे पानी में। तो जब पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद आपको बेसन ऐड करना है, ऐसे थोड़ा 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 बेसन ऐड करना है आपको। और ये ना मेरे से चम्मच से डायरेक्टली गिर गया था, तो आपको अगर हाथों से हो सकता है तो आप हाथों से कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको चम्मच से आपका हो सकता है तो यहाँ पर गोले बन गए थे इसके, तो वो गोले नहीं बनने चाहिए। अगर आपको हाथों से हो सकता है तो आप हाथों से फैला दीजिए बेसन को, इस तरह से आप डाल दीजिए जितना बेसन आपको चाहिए हो। तो उसके बाद उसमें ना वो जो गोले बन गए थे तो उसे तोड़ना है आपको इसी तरह से। तो ये तो बहुत ही बड़े बड़े बन गए थे, अगर आप हाथों से डालते हो ना तो छोटे छोटे बनते हैं। बट इसमें ना ये वाली रेसिपी है ऐसी है कि इसमें गाँठे बननी ज़रूरी होती है, मतलब ये गर्म पानी में डालते तो गाँठे बनती है, और इसे गाँठों को हमें तोड़ना है बाद में। तो ये गाँठ वाला ही बेसन बोलते हैं इसे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं इसमें ना ये चम्मच यूज़ कर रही हूँ, राउंड चम्मच। तो इसमें ना ये वाला ही चम्मच यूज़ किया जाता है ज़्यादातर एक्चुअली। अगर आपके पास ये वाला चम्मच नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, जो रवी बोलते हैं हम लोग उसे, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें, लकड़ी वाली जो होती है। और मेरे पास वो एल्युमिनियम वाली है तो वो भी मैं यूज़ करूँगी बाद में, आप देख लेना। तो अगर मतलब ये बहुत बड़े बड़े गोले बन गए थे इसी वजह से, नहीं तो ये छोटे छोटे बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते वैसे हैं। गोले छोटे बने या बड़े बने, बट उसे तोड़ना ही होता है, तो यही प्रोसीजर है इसकी, तो बस यही करना है आपको। और अगर नहीं हो तो आप इस तरह से रवि से कर सकते हो, इस तरह से ये ब्लेंडर से कर सकते हो आप ऐसे, और बस इसके बाद इसे तोड़ना है और इसे ढक के रखना है, मतलब अच्छे से स्टीम आने देना है ताकि ये जो गोले हैं आपके अंदर से पक जाए बेसन के गोले। नहीं तो अंदर से नहीं पकेंगे तो ये कच्चे कच्चे लगेंगे, और इसकी जितनी टेस्ट आनी चाहिए फिर वो टेस्ट नहीं आएगी। आप देख सकते हो थोड़े से गोले गोले दिख रहा है ना, तो वैसे ही रहने देना है आपको। और थोड़ा सा ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली रखनी है आपको पहले ही, ताकि ये हम लोग जब पकाएंगे इसे तो बहुत देर तक पकाना है हमें इसे, मतलब 10 मिनट तक तो इसे पकाना ही हमें लो फ्लेम में, मतलब इसको स्टीम आने देना है। जैसे वो छोटे छोटे गोले नहीं बनते हैं वो अंदर तक पक जाए, इसी वजह से आपको इसे स्टीम आने देना है बहुत देर तक, 10 मिनट तक तो आपको इसे स्टीम आने ही देना है। और कंसिस्टेंसी आप ऐसे रखोगे ना थोड़ी सी पतली सी तो अच्छी लगेगी। उसके बाद वो ना थोड़ी सी वो होती है गाढ़ी हो जाती है, मतलब जब ठंडा होने लगता है ना ये वाला बेसन तो वो गाढ़ी ही हो जाती है, तो इसीलिए थोड़े से पहले ही पतला रखना है आपको। उसके बाद आपको देख सकते हो आप इस तरह से कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता ऐड किया, तो उससे ना दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बन गया है हमारा बेसन और खाने के लिए रेडी है ये, तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो और प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है प्लेन राइस के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, तो आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हो। और ज्यादातर मराठी से ज्वार की रोटी के साथ खाते हैं, तो ज्वार की रोटी के साथ भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ये। किसी ने रिक्वेस्ट की थी मेरा जो माइक्रोवेव है वो कितने लीटर का है वो बताने के लिए, तो मेरा जो माइक्रोवेव है वो 20 लीटर का है। मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ इसका, पूरा जो माइक्रोवेव है वो दिखा देती हूँ कि किस तरह से है। तो ये 20 लीटर का माइक्रोवेव है, क्योंकि ये जो जगह थी यहाँ पे तो उसके हिसाब से हमने लिया था, तो आपको दिखा देती हूँ मैं बैक कैमरा से। तो ये कुछ इस तरह से है मेरा माइक्रोवेव, IFB का माइक्रोवेव है, इसकी 3 ईयर की वारंटी है और 20 लीटर का है। इसमें 25 लीटर का भी आता है और 30 लीटर का भी आता है आई थिंक, बट ये मैंने 20 लीटर का लिया था क्योंकि इसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये जगह में थोड़ा सा छोटा ही चाहिए था, तो इसी वजह से मैंने ये लिया था, और मेरी फैमिली के हिसाब से भी लिया था, तो इसीलिए मैंने 20 लीटर का लिया था उस टाइम।
आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो आप उसमें कितने लीटर का आपको चाहिए। तो 20 लीटर का भी आता है, 25 लीटर का भी आता है, आई थिंक 30 लीटर का भी आता है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो वो। आप गुस्सा हो? हाँ। क्यों? पापा ने मुझे अपना निकाल दी। क्या निकाल दी? शॉप। इधर आओ इधर आओ। तो कपड़े भी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कपड़े पहनने नहीं दिया? नहीं। आपका डेली का ही है बेटा। हाँ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या किया पापा ने? पापा ने मुझे लिख दिया, मुझे पहना दिया। ये पहना दिया आपको? ये नहीं चाहिए था? नहीं। फिर क्या चाहिए था? गाने वाला नहीं चाहिए था मुझे। ये क्या नहीं चाहिए था? इसमें तो मैं इधर आओ ना। क्या किया पापा ने? पापा ने मुझे बनाने लिख दिया, फिर गाने वाला ये म्यूजिक सुना दिया। ये इस पे म्यूजिक वाला है ना, इसको ये नहीं चाहिए था, म्यूजिक सुना दिया और मुझे पहना दिया बोलता है। क्या किया? म्यूजिक सुना दिया और आपको पहना दिया, ये नहीं चाहिए था आपको। अद्विक ने नहा लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे दिख रहे हो अद्विक आप। अद्विक आओ बेटा इधर, अद्विक इधर आओ इधर आओ। यार बच्चों का ना इसका तो हमेशा का ही रहता है, इसका कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन है। दिन में 3-4 कपड़े तो ये चेंज करता ही है, और जाके वॉशिंग मशीन में भी डाल के आ जाता है। मतलब जो चेंज किए हुए कपड़े ना वैसे नहीं रखता है, मशीन में डाल के आ भी जाता है। तो एक तो दोनों टाइम के कपड़े मुझे वॉश करने पड़ते हैं, और इसके तो बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो अभी ना उसको वो नहीं चाहिए था, और उसके पापा ने वो इसीलिए पहना दिया कि वो थोड़ा सा मतलब अभी गर्मी लगेगी रात को, इसी वजह से वो पहना दिया था। बट उसको स्लीवलेस नहीं चाहिए था, जैकेट के ड्रेस चाहिए उसे, इसी वजह से वो थोड़ा सा रो रहा था यहाँ पे। और अभी उसके पापा आ गए गांव से और उसको नहला दिया आते ही, क्योंकि एक तो माही की ड्यूटी होती है शाम को उसको नहलाने की, नहीं तो फिर उसके पापा की ड्यूटी होती है शाम को नहलाने की उसे। तो आज माही ने नहीं नहलाया, उसके पापा ने नहलाया उधर से आने के बाद। तो अभी वो आ गया है, मेरा खाना भी बन गया है, थोड़ी देर में हम लोग डिनर कर लेंगे। आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे देखो, ये पूरा सुई धागे से करना पड़ रहा है आपको। दीदी इसे मत करो, क्यों? मुझे मुझे लग जाएगा फिर, लगने दो। माही अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये मैं करके दे रहा हूँ, और आप उधर जोर से मारोगे नहीं और टूट जाएगा बॉल भी। मैंने नहीं थोड़ा सा पहले अधिक में थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे टांग रहे हो ना। हाँ, उसको प्रैक्टिस कर दीजिए। हाँ प्रैक्टिस की। हाँ मतलब बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बॉलिंग का टेंशन खत्म। अरे क्या करते मैं तो क्या करती हूँ, ये हमेशा क्या करते दोगी तो नहीं माही यानी अद्विक, नहीं नहीं बैटिंग करते नहीं भक्त बॉलिंग करते रहते हैं। माता नंबर से इतनी बैटिंग सर, ये लो भाई। क्यों भाई सही है कि नहीं है बताओ? वो कर रख दो, वो घूमा कर रख दो। बच्चा नहीं लेकिन बच्चा तो बन जाता हूँ ना आपके साथ में। हाँ भी बोल रहा है सच में अजीब है ये। ऐसे नहीं भाई अजीब, ऐसे खड़ा रहना कभी उधर से खड़े रहो, ऐसे करो और बैट ऐसी उल्टी मत पकड़ो, ये राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर ऐसे ऐसे। और एक बार आप उस साइड में मारो ना, एक दिशा पकड़ लो ना ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे मारना, चलो एक बार मारो। गुड अब मेरी बैटिंग रहेगी आज। तो गाइस हम लोग डिनर कर लेंगे, और इस ब्लॉग को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करूँ, नाम लेने का टाइम आ गया है।
और नाम लेने से पहले मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, जिन जिनके बर्थडे होते हैं या एनिवर्सरी होती है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ये दो नाम छोड़ के आपका नाम उससे पहले लूंगी, तो मतलब बर्थडे विश या एनिवर्सरी विश मैं उससे पहले करूंगी। और पूजा सिंह ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी। उनका नाम है पूजा सिंह और उनके हस्बैंड का नाम है निशांत सिंह। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। और कांता परमार ने भी रिक्वेस्ट की थी कि उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब 6 मई को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर। और हाँ, जब भी आप वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे विश करने के लिए मुझे बोलोगे ना, तो एक दिन पहले मुझे बोला करो, मतलब उस दिन जिस दिन आपकी वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे होगा तो उस दिन आपको मेरा विश मिल जाएगा। तो इसी वजह से आप एक दिन पहले मुझे बोला करो, ताकि आपको वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे के दिन आपको मेरा विश मिल जाए। शाहिन खान ने कमेंट की थी, उनके हस्बैंड का बर्थडे है मतलब 7 मई को, जिस दिन ये ब्लॉग आएगा उस दिन उनका बर्थडे है, तो उनके हस्बैंड का नाम है एमडी जलाल खान, तो हैप्पी बर्थडे एमडी जलाल खान जी। तो आज का फर्स्ट नाम है गीता ठेंगड़े ने रिक्वेस्ट की थी उनकी बेटी का नाम लेने के लिए, तो उनकी बेटी का नाम है रिदु ही। और आज का सेकंड नाम है वैष्णवी माड़ी ने रिक्वेस्ट की थी उनके मम्मी पापा का और उनका नाम लेने के लिए, तो उनका नाम है वैष्णवी माड़ी और उनके पापा का नाम है हनुमंत माड़ी और उनकी मम्मी का नाम है योगिता माड़ी। तो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। जिन जिनका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो आप इस ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे उसके बाद में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, उसे आप देख पाओगे। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।